हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 9, पाठ का नाम है हमें न बांधो प्राचीरों से। इसकी रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, इससे पहले के लेसन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहां से जाकर आप सभी लेसन देख सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की भी चैनल जो है, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको कुछ अपडेट देता रहता हूं। आइए शुरू करते हैं। यह जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में इसको समझें, इस कविता को पढ़ें। यह कविता बहुत ही जो है अच्छी है, जो हमें प्रेरणा देती है, ठीक है, सीख देती है। पहले मैं आपको कुछ 1 मिनट में बता देता हूँ कि यह चैप्टर किसके बारे में है, क्या दिया गया है। इसके बाद में आपको जो है क्वेश्चन आंसर पर ले चलूँगा। तो बच्चों, यह जो चैप्टर है कौन सा है कि हमें ना बांधो प्राचीरों में। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में, ये जो कविता है इसमें कवि पंछियों की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, पंछियों मतलब पक्षियों की भावनाओं को, जो पक्षी होते हैं उनमें क्या भाव रहते हैं, उनमें क्या भावनाएं भरी रहती हैं जब वो पिंजरे के अंदर रहते हैं और जब वो खुले आसमान में उड़ते हैं। पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर वे गा नहीं पाएंगे। ठीक है, पिंजरे की सुनहरी तीलियों से उनके पंख घायल हो जाएंगे। मतलब आप पिंजरे को कितना भी चाहे सोने का क्यों ना बना दूं, फिर भी वो उनके पंख जो है उसमें घायल हो जाएंगे, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। इन बहता जल पीने वालों के लिए पिंजड़ा एक मौत की तरह है, ध्यान रखना। सोने की कटोरी में भरे मैदे से तीखे नीम के फूल उनके लिए ज्यादा अच्छे हैं। अगर किसी व्यक्ति को पिंजरे में डाल दिया जाए, चाहे उसको सोने की कटोरी में खाने के लिए दिया जाए किसी पक्षी को, तो उसके लिए वो मौत के समान है। ठीक है, चाहे उसको वो कटुक निवोरी मतलब जो कड़वी निवोरी है ना, वो उसको मीठी लगेंगी, लेकिन वो सोने की कटोरी में जो मेदे रखा हुआ है खाने के लिए, उसको वो जहर की तरह लगेगा बिल्कुल। ठीक है, वे यहाँ बंध कर वे अपनी उड़ान भूल जाएंगे और पेड़ों के ऊपरी सिरों पर झूलने का उनका सपना धरा ही रह जाएगा। पंछी नीले आसमान की सीमा पाने का अरमान रखते हैं, जहाँ वे ताड़ों जैसे अनार चुन सकें। अनंत क्षितिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगती है, जहाँ या तो क्षितिज से मिलन होगा या इनकी सांसें टूट जाएंगी। पंछी हमसे अनुरोध करते हैं कि भले ही हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय को नष्ट कर दें, लेकिन उनकी उड़ान में तो कोई बाधा ना डालें, कम से कम उसको पकड़ के पिंजरे में तो ना डालें। ठीक है, तो इस बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी पशु पक्षी जानवर को बिल्कुल नहीं सताना चाहिए, और उनको बिल्कुल हमेशा सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हम हैं ऐसे ही पशु पक्षी होते हैं। ठीक है, उनको भी दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, उनके प्रति हमें दया भावना रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दी गई है सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ियों में आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखो, पहला है ऐसे थे अरमान की उड़ते। ठीक है, तो इसको बना नीले नभ की सीमा पाने, तो पहले का जो है दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरा क्या है आपका, कनक तीलियों से टकराकर उस जगह पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो दूसरे का आपको पहला बनाना है। ठीक है, तो दूसरे का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हम बहता जल पीने वाले। ठीक है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, तो सा का चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बस सपनों में देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, दा का तीसरा। तो इसको आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा गया है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो गगन हो जाएगा इसमें। ठीक है, नीड़ ने दो चाहे टहनी, तो यहाँ पर टहनी भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आश्रय, आश्रय कर डालो छिन्न छिन्न छि के तहस नहस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिन्न भिन्न। ओके, नेक्स्ट है या तो हो जाएगा इसका क्या, क्षितिज, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से भर सकते हैं क्योंकि ये तो टोटल कविता में ही दिया गया है। पहले में गगन, दूसरे में टहनी, फिर छिन्न भिन्न और क्षितिज। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, कहा गया है पिंजरे में बंद पक्षी होकर क्यों नहीं गा पाएंगे, तो पिंजरे में जो बंद पक्षी है वो बंद हो जाएगा तो वो क्यों नहीं गा पाएगा, तो सीधी सी बात है कि उनको पसंद ही नहीं है पिंजरा। ठीक है, सबको अपनी स्वतंत्रता अच्छी लगती है। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी नहीं गा पाएंगी क्योंकि स्वतंत्र आसमान में वे उड़ने वाले जीव हैं।
ठीक है, वो स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाली जीव है, वो पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। पंछी क्या चाहता है, दूसरा क्वेश्चन है। तो पंछी जो है चाहता है कि उसकी उड़ान में कोई बाधा ना बने। पंछी का अरमान क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंछी का अरमान है कि वह नीले आसमान की सीमा पाले। ठीक है, पंछी का अरमान है कि वह नीले आसमान की सीमा पाले। नेक्स्ट है आपका, पंछी स्वप्न में क्या देखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पंछी है वो स्वप्न में तरु तरु की फुनगी पर के झूले को देखता है। तरु मतलब हो जाएगा पेड़, तो पेड़ की फुनगी पर के झूले देखता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन, पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में किस बात का भय बना रहता है और क्यों। देखिए, पक्षी को सोने की सलाख है मतलब अगर आपको जेल में डाल दिया जाए, वहां पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलें, तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। ये आप बात खुद जानते हैं, चाहे सलाखें सोने की हों और खाना आपको कुछ भी मिल रहा हो, छप्पन भोग, फिर भी जो है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सभी लोगों को अपनी स्वतंत्रता पसंद होती है। ठीक है, तो देखो, पक्षी को सोने की सलाखों की पिंजरे में इस बात का भय बना रहता है कि वह अपनी उड़ान आदि ना भूल जाए। ठीक है, चूंकि अब क्यों, क्योंकि पिंजरे का जीवन स्वतंत्र नहीं है, पक्षी को चाहिए स्वतंत्रता जो उन्मुक्त गगन में मिल सकती है, पिंजरे में नहीं। ठीक है, इसलिए उसको भय बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवन जीने वाले कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, स्वतंत्र जीवन जीने वाले स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान। ठीक है, उनका खुद का एक अभिमान उन पर रहता है, उनको स्वाभिमान होता है। वो अभिमान ठीक नहीं है, स्वाभिमान अच्छा है। उनके बड़े बड़े अरमान होते हैं, वे इसलिए कुछ भी कर गुजरने से रुकते नहीं हैं। ठीक है, वे स्वतंत्र जीवन को ही एकमात्र अपना जीवन लक्ष्य मानकर इसको दृढ़ता पूर्वक सिद्ध करने के कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, कनक कटोरी की मैदा और कटक निबोरी में पक्षी कौन सी वस्तु भली भांति लगती है, अच्छी लगती है। तो देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर आपको किसी जेल में डाल दिया जाए या फिर पिंजरे में कैद कर दिया जाए कहीं पर, और आपको चाहे कुछ भी खाने को दिया जाए, कितना भी अच्छा, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो हमारी आज़ादी हो, हमें उससे अच्छा ना मिले खाने के लिए, तो सही। तो इसी तरह पक्षियों को भी लगता है कि कनक कटोरी की मैदा और कटक नवौरी में से पक्षी को कटक नवौरी अच्छी लगती है, कड़वी जो नवौरी होती है नीम की, उसको वो अच्छी लगती है। ठीक है, इसलिए कि उसमें स्वतंत्रता है, उसमें अपारतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, पिंजरे की सुविधाएं पक्षी को क्यों पसंद नहीं है। अब बेसिक सी बात है, शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि पिंजरे की सुविधाएं पक्षी को पसंद नहीं है इसलिए क्योंकि वह स्वतंत्रता में रहने वाला जीव है। ठीक है, इसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता है। ठीक है, पिंजरे में चूंकि वह बहता जल पीने वाला है, खुले आसमान में अपनी उड़ान भरने वाला है, मनपसंद फल खाने वाला है, और यह सब सुविधाएं उसको जो है पिंजरे में नहीं मिल सकती, इसलिए उसको पिंजरे की सुविधाएं पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जैसा है वैसे ही लिखिए, बस बोलना है आपको। तो उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, कटुकनबोरी, श्रृंखला, फुनगी, नीड़, आश्रय, नीलगगन, क्षितिज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि भाव स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट। ठीक है, तो आपको इसके भाव स्पष्ट करना है। कहा गया है, पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो पुलकित पंख टूट जाएंगे में पहला इसका भाव क्या है, देखिए, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि परतंत्रता है ना, परतंत्रता यानी गुलामी बड़ी कठोर होती है, वह स्वतंत्रता की जो मिठास होती है ना, उसके पर को कतर कतर कर उसका जीवन जीना कठिन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका आशय बताना है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने यह कहना चाहता है कि परतंत्रता जो गुलामी है, स्वतंत्रता की सभी अच्छाइयों और रूपों को भूल जाने के लिए मजबूर करती है। इस तरह परतंत्रता सुख सुविधाएं स्वतंत्रता के महत्व को समाप्त नहीं कर सकती। मतलब परतंत्र हैं आप, पिंजरे में हैं, जेल में हैं, वो आपको कितने भी आपको सुख सुविधाएं दी जाएं, लेकिन आप स्वतंत्रता के सुख से बड़ी वो बिल्कुल नहीं हो सकती। और आखिरी आपसे कहा गया है, नील गगन से होड़ा होड़ी। ठीक है, तो नील गगन से होड़ा होड़ी का मतलब होता है, आपने देखा होगा पक्षी जो हैं
ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ऊंचा उड़ेगा। तो वही यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि स्वतंत्रता बेरोक टोक होती है, वह बड़े बड़े अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है, इस दिशा में वह किसी से सामना करने से पीछे नहीं हटती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कविता में नीलगगन शब्द आया है, इसमें योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या है, दो शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगा रहता ना जी वाला, उसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इसको आप बनाना है, जैसे इसके सामने आपके कनक तीलियों के सामने लिखेंगे आप कनक तीलियों, ठीक है, इस तरह से सब में योजक चिन्ह लगाना है। दूसरे में भूखे प्यासे कटक नवौरी कनक कटोरी होड़ा होड़ी भिन्न भिन्न, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है आपको। विलोम शब्द देखो, आकाश का हो जाएगा धरती, स्वाधीन पराधीन, सुबह शाम अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो लिंग परिवर्तन में आपको देखो क्या करना है, चूहा चूहिया, बालक बालिका, सेवक सेविका, पापा पापी पाप, बंदर बंदरिया, घोड़ा घोड़ी, लेखक लेखिका, इस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।